ये नंगा आदमी अपने पिछवाड़े से इस बड़ी चट्टान से फिसलते हुए क्यों जा रहा है? ये जिस तेजी से जाता है उसे देख आपकी फट जाएगी, लेकिन इसकी नहीं फटेगी। क्या ये आदिवासी है? चलिए जानते हैं इनकी सच्चाई। दरअसल ये एक ट्रेडिशन है जिसका नाम है हक्कापी। अपने पूर्वजों की याद में ये खेल खेला जाता है। इसमें सहभागी होने वाले को नंगा होना पड़ता है। वे बस अपने प्राइवेट पार्ट को एक कपड़े से ढकते हैं। वे अपने बॉडी पे पेंट लगाते हैं। दो बड़ी केले के पेड़ की लकड़ी को आपस में बांध के उस पर लेट जाते हैं। उनके कुछ साथी उन्हें पहाड़ी से नीचे धकेल देते हैं। ये इतनी तेजी से नीचे जाते हैं कि इनकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। थोड़ी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। जो सबसे दूर जाएगा उसे विनर घोषित किया जाता है। और आखिर सब अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं कि कोई जख्मी नहीं हुआ। समुंदर की सबसे जहरीली इस मछली के साथ आगे जो होने वाला है इसका इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है। आप खुद ही देख लो। एक सेकंड में यह मछली कहाँ गायब हो गई। दरअसल यह शिकार हुई है एक समुद्री दानव का। समुद्र के तल में रेत के अंदर छुपने वाला इस दानव का नाम है बॉबिट वॉर्म। समुद्र की मछली के लिए यह किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। 3 मीटर तक लंबे इस दानव से कोई भी जीव नहीं बचता, फिर चाहे वो ऑक्टोपस क्यों ना हो। इसे ना आँख होती है ना दिमाग। शिकार करने के लिए यह अपने इन सेंसर्स का यूज करता है। जब शिकार इसके रडार की रेंज में आता है तब यह पार्ट एक्टिवेट होता है और पलक झपकते ही शिकार का खात्मा होता है।